विद्या मंदिर में पढ़ने वाले सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षा जो संपन्न होने वाली है 22 तारीख से, उसी की तैयारी अच्छे से मैं कराने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक समझोगे और इस पेपर से आप लोग अपने पेपर की तैयारी जरूर करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर जो कि सामान्य हिंदी वाले बालकों के लिए है, कक्षा 11। तो पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन आया, रानी केती कहानी के लेखक कौन है? तो देखिए, पूर्व भारतीय युग के चार उन्नायक आप लोग जरूर पढ़ के जाइए। चार उन्नायकों में से किसी एक का आपसे रचना जरूर पूछेगा। तो रानी केती कहानी पूछा जा सकता है और नचिकेता उपाख्यान पूछा जा सकता है और आपसे आप प्रेम सागर पूछा जाता है और सुख सागर भी पूछा जा सकता है। मतलब चार उन्नायकों के किसी रचना का नाम जरूर आएगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि आप क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हिंदी गद्य साहित्य के जनक जो माने जाते हैं आप लोगों को याद होगा, खड़ी बोली गद्य के जनक और हिंदी साहित्य के जो जनक हैं दोनों एक ही हैं, भरतेंदु हरिश्चंद्र को ही कहते हैं। और पहले का आंसर क्या था? रानी केती कहानी के रचनाकार इंशाअल्लाह खां हैं। अंधेर नगरी किस विधा की रचना? देखिए, अंधेर नगरी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, भरतेंदु हरिश्चंद्र की कृति है। और ये क्या है, ये आपको जरूर पढ़ के जाएं। सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो निबंध की बात हो रही है, ध्यान से समझिएगा। कभी कभी आप लोग ज़्यादा जो है दिमाग लगा लेते हैं, उसके बाद आंसर आप लोग गलत करके आते हो, तो इसलिए ध्यानपूर्वक आप लोग समझ गया ना। रसज्ञ रंजन निबंध के जो रचनाकार हैं कौन है? आदिकाल का एक अन्य नाम बताइए। तो वीरगाथा काल और बीजोपन काल, ये दो नाम तो मैंने बता दिए, और भी अच्छे से आप लोग तैयार करके जाइए। उसके बाद कबीर के दोहों के नाम से जाना जाता है, देखिए साखी सबद रमैनी, ये तीनों का संग्रह आप लोगों को बीजक में मिल जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से तैयार करके जाएंगे। अब दोहों के नाम से जाना जाता है, ये आप लोगों को बताना है क्या है वो। अष्टछाप के कवि, आठों कवियों के नाम जरूर पढ़ के जाइए। आठ कवि कौन कौन से हैं, संबंध किस काल से है या फिर किस जो है भक्ति काल की कौन सी शाखा से है उनका संबंध, ये भी जरूर पढ़ें। रुनकता नामक स्थान संबंधित है, देखिए रुनकता ग्राम में जो है पैदा हुए थे, कौन पैदा हुए थे? आप लोगों ने जीवन परिचय पढ़ा होगा, तीन जीवन परिचय अच्छे से जरूर पढ़ के जाइए। तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है, सबसे महान ग्रंथ है, जो जाना माना ग्रंथ है इनका, सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है रामचरितमानस, तो इसको भी आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ के जाएं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो तीसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा वो गद्यांश पर आधारित होगा। दो गद्यांश दिए जाएंगे कि नहीं, एक गद्यांश को आप लोगों को लिख के आना है। देखिए, यह त्यौहार तुम्हारी म्युनिसिपालिटी है, ऐसे सब माफ़ कीजिएगा, ऐसे सब पर्व सब तीर्थ व्रत आदि में कोई हिम्मत। देखिए, शुरुआत में ही आप लोग भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, महाकवि माँ का प्रभात वर्णन है और उसके बाद शायद अशोक के फूल है, इस तरह के आप लोगों को, माफ़ कीजिए अशोक के फूल नहीं है, आचरण की सभ्यता शायद है आप लोगों कोर्स में। तो ये शुरुआत के जो तीन चैप्टर होते हैं महा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, इनसे पेपर में आप लोगों को गद्यांश जरूर मिलेगा, 100% दिया जाता है, क्योंकि दो गद्यांश होते हैं, कोई एक गद्यांश करके आना होता है। पहला गद्यांश आप लोग समझ गए होंगे किस पार्ट से लिया, इसके पांच क्वेश्चन होंगे, पांचों क्वेश्चन के दो दो अंक निर्धारित हैं। कुल प्रश्न के जो यहाँ अंक आप लोग निर्धारित किए गए वो 10 नंबर का ये पूरा गद्यांश आता है। अब प्रेम की भाषा शब्द रहित है, देखिए आचरण की सभ्यता से देखिए प्रश्न आया है। उम्मीद करता हूँ ये प्रेम की भाषा वाला पैराग्राफ आप लोग अच्छे से कंटेस्ट करके जरूर जाओगे। सेम क्वेश्चन आते हैं, पांच क्वेश्चन आएंगे, दो दो नंबर के होंगे, संदर्भ सहित व्याख्या लिखनी पड़ती है, रेखांकित अंश की व्याख्या होगी और जो क्वेश्चन अलग से पूछे जाते हैं वो इसी पैराग्राफ से आप लोगों को आसानी से मिल जाएंगे। कबीरदास के दोहे जरूर पढ़ के जाइए, पेपर जो है जरूर देंगे। कबीरदास के दोहे सबसे महत्वपूर्ण है, जीवन के लिए भी उपयोगी हैं, इसलिए जो एग्जामिनर होता है, परीक्षक जो होता है, वो पेपर बनाते समय इन दोहों को जरूर शामिल करता है, क्योंकि आप लोग के जीवन से संबंधित है, आप लोगों को जरूर ज्ञात होना चाहिए। तो पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का आप लोगों को नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं। तो कबीर हरि रस यौ पिया बाकी रही न था, कि ये जो है कबीरदास से लिया गया और इसको आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ के जाएंगे। अब आगे देखते हैं, यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं इसी जो है दोहे से ही रिलेटेड है पांचों, इसको आप लोग अच्छे से तैयार करके जाइएगा। दूसरा यहाँ पर जो दिया गया है, उसके बाद कबीरदास, सूरदास, ये सब आप लोग, तुलसीदास, जो भी आपके कोर्स में शुरुआत में तीन चैप्टर हैं उसको अच्छे से जरूर पढ़ के जाएं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए। ये तुलसीदास की देखिए, यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, हमको संदर्भ बता देता है किस चैप्टर से या किस पार्ट से आधारित ये आप लोगों का पद्यांश यहाँ पर दे देता है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाएं। पांच प्रश्नों के उत्तर ये जो यहाँ पर हैं ये आप लोगों को करना है। उसके बाद साहित्यिक परिचय देते हुए कि नहीं, एक जो है आप लोगों को अच्छे से देना है। तो यहाँ पर आप लोग शुरुआत के ही तीनों जीवनी अच्छे से तैयार कर लीजिए, एक जरूर आती है, हाफली एग्जाम में एनुअल का तो है नहीं, तो यहाँ पर तीनों ही जीवनी आप लोग अच्छे से याद करके जाइए। महावीर प्रसाद द्विवेदी, भरतेंदु हरिश्चंद्र, सरदार पूर्ण सिंह, तीनों पढ़ के जाइए, पक्का 100% आप लोग के बोर्ड के एग्जाम में कीजिएगा, आपके एग्जाम में भी फंसेगी। इसी तरह से कभी परिचय का भी, साहित्यिक परिचय आप लोग देना है, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, यही तीन महत्वपूर्ण हैं, आप लोग अच्छे से तैयार करके जाइए, एक तो जरूर आएगा। और इनमें से दो भी अगर पढ़ के जाएंगे तब भी आप लोगों का एक जरूर फंसने वाला है, समय क्योंकि कम है। अगला बलिदान कहानी का सारांश या फिर आकाशदीप कहानी के उद्देश्य व प्रकाश रख, देखिए दोनों क्वेश्चन एक तरह से ही आते हैं, सारांश और उद्देश्य, आप चाहे उद्देश्य पढ़ के जाइए चाहे सारांश पढ़ के जाइए, आएगा जरूर, ठीक है। उम्मीद है पाँच नंबर का आप लोग ये भी प्रश्न अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, अब अगला जो खंड खा है इसमें संस्कृत पर आधारित, देखिए
यहाँ पर भारत से स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब ये चैप्टर महत्वपूर्ण है, जरूर पढ़ के जाइएगा, ध्यानपूर्वक समझ के जाइएगा, प्रयाग वाला चैप्टर भी पढ़ के जाइएगा, और उसके बाद कुछ पद्यांश विश्वानि देव सवित दुर्तान पराशु यद भद्रम तन्नाशु, कुछ जो ये वंदना वाला जो पाठ है आप लोग जरूर पढ़ के जाइए, तो यथा समय से तत्नोभ्यम करो, और ये जो भी आप लोगों के शामिल है महत्वपूर्ण पद्यांश भी जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि करना आप लोगों को दोनों, देखिए गद्यांश भी करना होता है और पद्यांश भी करना होता है, तो पद्यांश भी आप लोगों के दो आते हैं, दोनों में से कोई एक करना है, गद्यांश भी कितने आते हैं, दो आते हैं, कोई एक करना होता है। अब उसके बाद यहाँ पर नॉर्मल जो व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ये बचपन से आप लोग अच्छे से तैयार कर रहे हो, उम्मीद है ये तो आसानी से आप लोग कर लोगे। मुहावरे और लोकोक्तियाँ करना होता है, किसी एक मुहावरे लोकोक्तियों अर्थ लिखते हुए आप लोगों को समझाना है, ठीक है कोई एक। अब आगे क्या है, निम्नलिखित संधि विच्छेद जो कि ऑप्शन में दिया है, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ जाओगे, हिम प्लस आलय तथा प्लस ये तीव भवना मतलब हो प्लस अनम, तो ये तीनों ही अच्छे से आप लोग अच्छे से तैयार करके जाओगे, तीन नंबर निर्धारित हैं। उसके बाद अब जो अगला नवे के बाद जो प्रश्न है उसको भी यहाँ पर जो खा वाला है इसमें भी एक आता है युग्म, शब्द युग्म आते हैं, अनिल और अनिल ये दोनों किससे मिलते जुलते हैं, अंब और अंब, इसी तरह प्रसाद और प्रसाद, और भी कई इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों के स्कूल में पढ़ाए गए होंगे उसको भी आप लोग तैयार जरूर कीजिए, यही सब आता है। इसी तरह से कुछ शब्द के कई अर्थ हैं, अनेकार्थी शब्द से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे, और दो के लिए एक एक शब्द बनाने के लिए आप लोग आएगा, ये भी अच्छे से तैयार करके जाएँ। रूप वचन जरूर पढ़ें, निम्नलिखित में से कहीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखें, शुद्धिकरण जरूर आता है, हास्य रस का लक्षण एवं उदाहरण, और एक एग्जाम्पल दिया होता है उसके बारे में बताना होता है कि कौन सा यहाँ पर रस प्रयुक्त हुआ है, और यमक और उत्प्रेक्षा। देखिए शब्दालंकार और अर्थालंकार आप लोग कोर्स में दिया गया है, शब्दालंकार और अर्थालंकार में अगर आप लोग शब्दों की तरफ जाओगे तो वहाँ पर तीन है, अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, आप लोग तीनों ही पढ़ लेंगे तो आप लोगों के कोर्स में बोर्ड तक ये साथ आएगा, दोहा चौपाई और सोरठा, ये तीन अच्छे से तैयार कर लीजिए, आप लोगों का पूरा पेपर फंस जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बस ये आखिरी पेज है पेपर का, कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद विद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र मतलब आप लोगों को ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशू कराना है, प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखना है, या फिर आप लोग दूसरा तैयार कर सकते हो, अपने राज्य के परिवहन मंत्री को एक पत्र लिखना है जिसमें सड़कों की दुर्घटना जो होती है, दुर्दशा माफ कीजिएगा, को सुधारने की अपेक्षा की गई है। वैसे मलेरिया से रिलेटेड भी आ सकता है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखने के भी आ सकता है, आप लोग दो एक फॉर्मेट जरूर तैयार कर लें जिसमें आप लोग आसानी से कर सको। निबंध जरूर तैयार कीजिए, हमारा राष्ट्रीय त्यौहार मेरी प्रिय पुस्तक है, COVID-19 दौर में ऑनलाइन शिक्षा की जरूरत और चुनौतियाँ, ये भी आप लोग कर सकते हैं, राष्ट्र निर्माण विद्यार्थियों का योगदान भी कर सकते हैं, ये सारे इनमें से कुछ आप लोग जरूर अटेंड करके जाएं। और ये लास्ट प्रश्न था, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, यहाँ पर ये वीडियो खत्म हो रहा है, उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो अच्छी लगी होगी, शेयर जरूर कीजिए, विद्या मंदिर पढ़ने वाले सभी छात्रों तक ये वीडियो जरूर पहुँचाइए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।